इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहां पर आपको ये सेटअप कैसे करना है इन स्ट्रीम एड्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो ये सेटअप करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपको कैसे मिलेगा, जब आपका यहाँ पर जो ये प्रोफेशनल मोड है, जो ये आपके तीन डॉट हैं ऊपर यहाँ पर, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका एक प्रोफेशनल मोड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको एक मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा इन स्ट्रीम एड्स के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप सेटअप बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा गेट स्टार्टेड का, दिख रहे हैं, ये पेज पर आपको स्विच हो जाओगे। यहाँ पर आपको अर्निंग कैसे करना है, कैसे आपका अर्निंग होगा, यहाँ पर सब डिटेल्स बताया गया है, तो आप यहाँ पर इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो नेक्स्ट का है और एक यहाँ पर बिजनेस जो आपका इन्फो आपको ऐड करना है। अगर आपने यहाँ पर कोई अकाउंट आपका ऐड नहीं करके रखा है इस लिस्ट के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक नया अकाउंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, जो आपका लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और कंट्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट के ऊपर, जैसे कि जैसे आपका जो टैक्स है इन्फो के जो टैक्स डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर उसको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है। मान लो आपका बैंक डिटेल्स के ऊपर टेस्ट डॉट डिमांड कुछ भी आप लगा लो आपका है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर, जैसे मेरा राम धीमान है, तो मैं यहाँ पर राम मेरा फर्स्ट नेम हो गया और सर नेम हो गया मेरा धीमान, तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे फिल करना है। आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है और सेकंड नेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, इसको एक बार फिल कर देता हूँ जल्दी से, और फिर हम लोग आगे वाले पेज पर बढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ये इंटर बिजनेस इन्फो, आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है आपका, और यहाँ पर जो ये बिजनेस टाइप में आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, और यहाँ पर जो आपको ये इंडिविजुअल रखना है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल मतलब आपका खुद का ये बिजनेस अकाउंट है जिसके थ्रू आप ये कर रहे हो, या फिर आपने कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है आपका, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रखूँगा, इंडिविजुअल मतलब मेरा खुद का है ये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिल करना है। सेटअप योर अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको जो आपका प्राइमरी एड्रेस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जहाँ पर आप रहते हो, यहाँ पर उसको यहाँ पर ऐड करना है आपको। यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका पिन कोड डालना है, जिप कोड, पोस्टल कोड जो होता है, और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल देना है, और यहाँ पर एक वैलिड ईमेल आईडी देना है आपको जो डालना है। यहाँ पर आपको आपका जो पैन कार्ड है उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो ये पैन कार्ड है वहाँ पर इसका डिटेल निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एंटर कर दूंगा मैं जल्दी से, आपको मैं ये यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स इधर यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स इसके अंदर फिल कर दी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर यूज ये अंडर वाला ऑप्शन है, ये वाला चेक बॉक्स आपको चेक करना है, ये वाला, और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपका मेलिंग अकाउंट है, मतलब क्या है, जहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट इसके अंदर ऐड करना है, जहाँ पर आपका पेमेंट आएगा फेसबुक से, तो आपको यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मैनुअली लिंक आपको अकाउंट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो यहाँ पर वो उसको आप ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक चेक करेंगे इसको,
यहाँ पर चेक कर देंगे तो ये अपने आप ही वो उस पर चला जाएगा लिंक बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जिस कंट्री में आप रहते हैं यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो आपके बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर जो नाम है ना वो प्रॉपर आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, अकाउंट बैंक अकाउंट होल्डर के नाम पर। यहाँ पर आपका स्विफ्ट कोड डालना है। स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? स्विफ्ट कोड जैसे कि आपका कोई SBI बैंक है, या फिर कोई HDFC बैंक है, या फिर एक्सिस बैंक है, उसका जो स्विफ्ट कोड है वो आपको बैंक के थ्रू मिलेगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको वो कैसे मिलेगा, ये ऑनलाइन भी निकाल सकते हो आप स्विफ्ट कोड। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वहाँ जाकर मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर डालना है, ठीक है, और यहाँ पर उसको लिंक कर देना है पे आउट को, ठीक है। अभी मैं इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स इधर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टैक्स इन्फो। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐड टैक्स इन्फो बटन पर। यहाँ पर आपको आपसे कह रहे हैं कि आपको ये टैक्स रिक्वेस्टिंग प्रोसेस टू योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज योर टैक्स क्लेरिफिकेशंस, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअली रहेगा आपका जो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे सेकंड वाले ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप USA के सिटीजन हैं या आप USA में रहते हो, तो वो आपको येस करना पड़ेगा। अगर आप USA में नहीं रह के इंडिया में रहते हो या फिर अदर कंट्री में रहते हो, तो आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। नो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नो बटन पर क्लिक करते ही आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नो कर देना है। यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आपको हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स इधर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, इंटर नेम एंड टैक्स पेयर। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड की उसकी पैन कार्ड की डिटेल्स है ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो आपका आधार कार्ड के ऊपर नेम है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री में आप रहते हो तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये चेक बॉक्स है ये आपको चेक ही रखना है, यहाँ पर इसको नीचे वाला ऑप्शन आपको चेक नहीं रखना, तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक रखना है। और यहाँ पर आपका जो आधार पैन कार्ड है इसका यहाँ पर अपने आप डिटेल्स दिख जाएगा जो आपने एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एंटर योर एड्रेस, आपको यहाँ पर एड्रेस आपका डाल देना है जहाँ पर आप रहते हो, जो आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वही आपको इधर एंटर करना है, ठीक है, याद रहे। और यहाँ पर जो आपका एड्रेस ये ऑप्शनल है, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप किस सिटी में रहते हो यह डाल देना, किस स्टेट में रहते हो आपको ये डाल देना है, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड योर मेलिंग एड्रेस, जहाँ पर फेसबुक आपको मेल करेगा या फिर आपको कोई भी अगर आपका गिफ्ट है या फिर कोई भी आपको पार्सल करता है, तो वो आपका किस एड्रेस पर आना चाहिए, यहाँ पर जो आपने एड्रेस डाला है एक बार कंफर्म कर लेना है, और ये चेकबॉक्स चेक करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका जो एड्रेस पर जो भी आपके फेसबुक के तरफ से जो भी आएगा तो आपके इस एड्रेस पर आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके, आप यहाँ पर ओनली 0 टैक्स पे करोगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहते हो, इसके लिए आपको पूरा वो चार्ज सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है नीचे की तरफ, ये वाला ऑप्शन आपको चेक कर देना है। ये चेक किया, यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर कैसे डालना है, जैसे आपका कोई पैन कार्ड है या फिर आपका आधार कार्ड है, जो भी इस पर नेम है ना, यहाँ पर आपको उसको सिर्फ फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिए, मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिल करने के बाद यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, जिस डेट को आप बना रहे हो, यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये हाईलाइट हो जाएगा ये जैसे ही आप सिग्नेचर डालते हो, ठीक है।
मैं इसको जल्दी से करके कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये ऑप्शन सारा आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर ये पेज आएगा, जब आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ ये क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट जो आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ पर आपका कंप्लीट दिखा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है या फिर आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल डाला है वो प्रॉपर डाला है या नहीं है, आपका जो नेम है सब कुछ आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आप इस यहाँ पर मेक चेंज पर क्लिक करके उसको सेट कर दोबारा से ठीक कर सकते हो। ये याद रखना है कि अगर आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत हुआ तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट फॉर्म जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो डिटेल है जो ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन जो आपने टैक्स पे सबमिट किया फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो आपका ये मैसेज भी आ गया है यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली का, ठीक है, और आपका जो ये डिटेल भी वैलिडेट हो गया है। ओके, यहाँ पर अब दिखा रहा है कि टैक्स पेयर हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एट दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डन बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए जाएगा, ये एक या दो दिन लगेंगे या फिर कुछ हफ्ता भी लग सकता है इसको रिव्यू कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएगा, जैसे ही ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जो यो फेसबुक पेज है जो मेन मोनेटाइज हो जाएगा और उससे आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो ये सेट एड्स जो एड्स का जो ये सेटअप है वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे टैक्स फॉर्म फिल करना है, ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका जो ये पेज मोनेटाइज हो गया है और सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बटन पर क्लिक कर देना, ये यहाँ पर आपका रिव्यू के लिए चला गया है। जैसे ही यहाँ पर रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा ये टूल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर टूल्स के अंदर अभी ये आपने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पर टूल के अंदर चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।